हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए ये दो रंग का बहुत ही सुंदर डिज़ाइन लेकर आई हूँ। इस डिज़ाइन को आप बच्चों के स्वेटर में, बच्चों की कार्डिगन में, बच्चों की फुल स्लीव कार्डिगन बना सकते हैं। और ये इसके लिए मैंने दो कलर लिए हैं, ब्लू और येलो, दो कलर में बनाया है। आप कोई भी दो कलर लेकर बहुत बनाएं तो बहुत ही सुंदर लगेगा। इसे बनाने के लिए टू मल्टीपल के फंदे चाहिए होते हैं। और ये 8 सिलाई का डिजाइन है, 8 सिलाई हमें बार बार रिपीट करनी है। 8 सिलाइयों से ये 8 सिलाई का डिजाइन है और 8 सिलाई हमें बार बार रिपीट करनी होती हैं। आप प्लीज़ इसे ज़रूर ट्राई करें बच्चों के स्वेटर में। ये बहुत ही सुंदर है, ये फ्लावर की तरह बनकर आता है इस तरह से। अब हम इसे बनाने स्टार्ट करते हैं। ये हमारी राइट साइड है, राइट साइड से हमारा स्टार्ट होगा। और ये हमारी रॉन्ग साइड है, रॉन्ग साइड हमारी इस तरह से नज़र आएगी। ये देखिए, अब हम बनाना स्टार्ट करेंगे। ये देखिए, इसमें मैंने 2 मल्टीपल के 12 फंदे लिए हैं। हमें 2 के जोड़े से फंदे लेने हैं इस तरह से। और सबसे पहले हम इसमें 2 फाउंडेशन रो बनानी है। इसमें हम सबसे पहले 2 फाउंडेशन रो बनाएंगे, एक सीधी और एक उल्टी। हमें सिंपल सिलाई बनानी है, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। ये हमारी फाउंडेशन रो है, फर्स्ट पहली सिलाई हम सीधी बनाएंगे। इसमें हमें 2 सिलाई बनानी है सिंपल, एक सीधी और एक उल्टी। ये हमारी फाउंडेशन रो है, फर्स्ट रो। ये हमारी फर्स्ट रो हो गई। अब सेकंड रो उल्टी रो है, ये हमारी सेकेंड रो फाउंडेशन रो सेकेंड रो है। अब हम दूसरी सिलाई उल्टी बुनेंगे। ये हमारी 2 सिलाई पूरी हो गई। ये देखिए, अब ये हम अपने डिजाइन की फर्स्ट रो स्टार्ट करेंगे। इसके लिए हम इसमें दूसरा कलर लगाएंगे, दूसरे कलर की ऊन लगाएंगे, पीले रंग की। पहले इससे हम 2 फंदे बुन लेंगे सीधे। पहले हम 2 फंदे सीधे बुनेंगे, उसके बाद ये यहाँ पर हमें ये यहाँ बीच में से फंदा बनाना है एक। ये हमें 2 धागे नज़र आ रहे हैं, फर्स्ट सेकंड, इन दोनों के बाद इनके बीच में हमें यहाँ से सिलाई डालकर एक फंदा बनाना है इस तरह से। फिर हमें 2 फंदे सीधे बुनने हैं, 1 2। फिर से हमें 2 फंदों के बीच में से ये फंदा बनाना है यहाँ से। ये देखिए, फर्स्ट सेकंड इन दोनों को के लास्ट में हमें यहाँ से एक फंदा बनाना है इस तरह से। ये फंदा हमें थोड़ा लूज रखना है। फिर हमें 2 फंदे सीधे बुनने हैं, 1 2। फिर से हमें ये नज़र आ रहे हैं 2 धागे, 1 2। यहाँ से हमें एक फंदा बनाना है, फिर 2 फंदे सीधे बुनने हैं हमें, 1 2। फिर से यहाँ पर 2 धागे के बाद हमें फंदा बनाना है इस तरह से। फिर 2 फंदे सीधे बुनने हैं, 1
टू, यहाँ आखिर में दो फंदे बचे हैं। अब यहाँ पर हमें दो धागे छोड़कर यहाँ बीच में से एक फंदा बनाना है और आखिर के दो फंदे हम सीधे बुनेंगे। ये हमारी फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई। अब ये उल्टी साइड है, उल्टी साइड हमें सब फंदे उल्टे बुनने हैं, लेकिन जो फंदा हमने बीच में से उठाया है उसको उतार लेना है, उसे हम बुनेंगे नहीं। दो फंदे हम उल्टे बुनेंगे, वन टू, और ये जो फंदा हमने बीच में से बनाया था इस फंदे को हम उतार लेंगे बिन बुने। फिर हम दो फंदे बुनेंगे, वन टू, फिर एक फंदा उतारेंगे, फिर दो फंदे बुनेंगे, फिर ये उठाया हुआ फंदा हम उतार लेंगे, फिर से दो फंदे उल्टे बुनेंगे और फिर से हम इस फंदे को उतार लेंगे जो हमने बीच में से उठाया है, फिर दो फंदे उल्टे बुनेंगे और फिर से इस फंदे को हम उतार लेंगे, आखिर के दो फंदे हम उल्टे बुनेंगे। इस तरह से हमारी दो सिलाई पूरी हो गई। ये देखिए हमारी दो सिलाई पूरी हो गई। अब ये हमारी तीसरी सिलाई है। तीसरी सिलाई में हम कलर चेंज करेंगे, हम ग्रीन कलर लगाएंगे। अब इसमें हम एक फंदा सीधा बुनेंगे, एक फंदा हम सीधा बुनेंगे, फिर हम यहाँ पीछे से सिलाई डाल के फंदों में ये फंदे उतार लेंगे। इस फंदे को हम उतार लेंगे जो हमने बीच में से उठाया था और इस फंदे को हम बुनेंगे सीधा। ये फंदा हम बुनेंगे नहीं, इस फंदे को बुनेंगे, फिर ये दूसरे फंदे को बुनेंगे इस तरह से, और फिर बाद में इस फंदे को दो फंदों पर से उतार देते हैं। ये देखिए फिर से हम इसी तरह से इन्हें उतारेंगे। इस तरह से सिलाई पर हम दूसरी सिलाई पर उतार लेंगे इसे, फिर हम इस फंदे को पीछे करके या फर्स्ट फंदे को बुन लेंगे सीधा, वन टू। ये दो फंदे बुन लिए हमने, दो फंदे बुनने के बाद इस फंदे को इन दो फंदों पर से उतार देंगे। फिर से इन दो फंदों को उतारेंगे हम, ये फंदा छोड़ेंगे हम पीछे, इसे हम नहीं बुनेंगे, और ये आगे वाला फंदा है इसे हम बुनेंगे। फिर एक फंदा बुनेंगे इस तरह से, दो फंदे बुनने के बाद इस फंदे को इन दो फंदों पर से उतार देंगे। इसी तरह से हमें ये रिपीट करते रहना है। इस फंदे को उतारना है हमें, ये पीछे का फंदा हमें बीच में जो फंदा है इसे हमें यहाँ पीछे उतार लेना है, पीछे रखना है, और ये आगे के जो दो फंदे हैं ये हमें बुन लेने हैं, एक दो, फिर हमें ये फंदा उतार देना है, आखिर का एक फंदा सीधा बुन लेना है। ये हमारी तीन सिलाई हो गई। अब ये हमारी फोर्थ रो है, इसे हम सभी फंदों को उल्टा बुनेंगे। ये सिलाई हमारी उल्टी बुनी जाएगी। इस तरह से हमने फोर्थ रो कंप्लीट कर दी उल्टी बुनकर। ये देखिए इस तरह से ये बनकर आया है हमारा डिजाइन। दो सिलाई हमें ग्रीन कलर से बनानी है और दो सिलाई येलो कलर से। अब हम फिर से कलर चेंज करेंगे और यहाँ पर हमने फर्स्ट रो पर दो फंदे सीधे बुने थे, उसके बाद हमने बीच में से फंदा उठाया था। इस बार हम तीन फंदे सीधे बुनेंगे और फिर उसके बाद हम बीच में से एक फंदा उठाएंगे पीली ऊन से। अब हम स्टार्ट करते हैं पांचवी सिलाई। तीन फंदे हम पीली ऊन से बुनेंगे सीधे,
1 2 3। अब यहाँ पर से 1 2, इन दो धागे के बाद में हम एक फंदा बनाएंगे, दो तीन फंदों के बीच में यहाँ से फंदा उठाएंगे इस तरह से। ये देखिए ये एक फंदा बन गया। अब दो फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2, फिर से दो फंदों के बीच में ये दो धागे के बाद हम फंदा उठाएंगे, फिर से दो फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2, फिर से हम दो फंदों के बीच में से यहाँ से फंदा उठाएंगे और फिर से दो फंदे सीधे, 1 2। अब इन दो फंदों के बाद में हम यहाँ से दो धागे के बाद फंदा उठाएंगे इस तरह से। आखिर में ये तीन फंदे बचे हैं, तीनों को सीधा बुनेंगे, 1 2 3। ये हमारी 5 सिलाई पूरी हो गई। ये छठी सिलाई है। छठी सिलाई में हम 3 फंदे उल्टे बुनेंगे शुरू के, 1 2 3। और जो फंदा हमने बीच में से उठाया था इस फंदे को हम उतार लेंगे, स्लिप करेंगे इसे बिना बुने। दो फंदे फिर उल्टे बुनेंगे, 1 2, फिर एक फंदा उतार लेंगे जो हमने बीच में से बनाया है फंदा, फिर दो फंदे उल्टे, 1 2, फिर स्लिप करेंगे हम इस फंदे को, फिर दो फंदे उल्टे, 1 2, फिर इस फंदे को स्लिप करेंगे, फिर आखिर के 3 फंदे उल्टे। ये हमारी छठी सिलाई पूरी हुई। ये 6 सिलाई कंप्लीट हो गई। अब ये हमारी 7वीं सिलाई है। हम फिर से ऊन चेंज करेंगे, अब हम ग्रीन कलर लगाएंगे। अब इसमें हम दो फंदे सीधे बुनेंगे ग्रीन ऊन से, 1 2, दो फंदे हो गए। अब फिर से हम इस फंदे को ऊपर लाना है हमें, इसे ऊपर लाने के लिए हम इससे यहाँ से सिलाई डालकर आगे से इन्हें उतार लेंगे सिलाई पर और इस फंदे को आगे वाले फंदे को बुनेंगे इस तरह से, फिर दूसरा फंदा बुनेंगे। ये दो फंदे बुन दिए हमने सीधे। अब ये जो हमने ये फंदा बनाया है इस फंदे को इनके दोनों के ऊपर से उतार देंगे। फिर से हम यहाँ से आगे से सिलाई डालकर इन फंदों को उतारेंगे। इस फंदे को हमें ऊपर लाना है। अब इसे आगे वाले फंदे को हम बुनेंगे, 1 और 2। ये दो फंदे हमने बुन दिए। अब ये फंदा हमें दो फंदों पर से उतार देना है। फिर से हम इन दोनों फंदों को इसी तरह से उतारेंगे दूसरी सिलाई पर। पीछे का फंदा हम पीछे रखेंगे और आगे वाले फंदे को सीधा बुनेंगे। फिर एक फंदा और बुनेंगे। दो फंदे हो गए हमारे। अब ये फंदा हम उतार देंगे दोनों फंदों पर से। फिर से हम इस फंदे को ऊपर लेकर आएंगे, आगे वाले फंदे को हम बुनेंगे सीधा, 1, फिर दूसरा फंदा, 2, और इस फंदे को हम दो फंदों पर से उतारेंगे। आखिर में दो फंदे बचे हैं, इनको हम सीधा बुनेंगे। ये हमारी 7 सिलाई कंप्लीट हो गई। ये 8वीं सिलाई है उल्टी साइड। इस सिलाई को हम पूरा उल्टा बुनेंगे। इन फंदों को हम उल्टा बुन लेते हैं। ये हमारी 8 सिलाई कंप्लीट हो गई। ये देखिए 8 सिलाई कंप्लीट होने के बाद इस तरह से हमारा डिजाइन बनकर आया है। ये बिल्कुल फ्लावर की तरह लगता है। अब हम फिर से आपको स्टार्ट करेंगे, हम फिर से स्टार्ट करके दिखाएंगे आपको कि हमें किस तरह से स्टार्ट करना है। हमारे ये हाथ पर फिर से हम दूसरा कलर चेंज करेंगे पीले रंग से। अब हम पीला कलर लगाएंगे इसमें। दो फंदे हम फर्स्ट बार हमने दो फंदे सीधे बुनने के बाद फिर हमने बीच में से फंदा उठाया था।
दूसरी बार में हमने 3 फंदे सीधे बुनने के बाद फिर फंदा उठाया था, फिर बीच में हमने दो दो फंदे लिए थे। ये देखिए यहाँ इस साइड में स्टार्ट में और आखिर में 3 फंदे हैं हमारे और बीच में 2 फंदे हैं। तो फिर से हम स्टार्ट करेंगे 2 फंदों से, 2 फंदे सीधे, 1 2, और 2 फंदों के बीच में से हमें यहाँ से फंदा बनाना है 2 धागे के बीच छोड़कर। इस तरह से हमें यहाँ एक फंदा बनाना है, फिर हमें 2 फंदे बुनने हैं, 1 2, फिर से यहाँ से हमें फंदा बनाना है, फिर हमें 2 फंदे बुनने हैं सीधे, फिर दोनों फंदों के बाद में फिर हमें बीच में से फंदा उठाना है, फिर 2 फंदे सीधे बुनने हैं, फिर से इन 2 धागों को के बाद हमें फंदा बनाना है, फिर 2 फंदे बुनने हैं सीधे, फिर से यहाँ से हमें फंदा बनाना है। ये देखिए बीच में से इस तरह से हमने फंदा उठाया है, आखिर में 2 फंदे सीधे। इस तरह से हमारी 8 सिलाई होती हैं। एक बार हम 2 फंदे बुनेंगे और एक बार 3 फंदे, इस तरह से हमारी 8 सिलाई बनेंगी। ये इस तरह से यहाँ बीच में आएगा, यहाँ पर है, फिर ये बीच में आ गया, एक यहाँ पर है, इस तरह से अब ये यहाँ पर बीच में आ गया, यहाँ पर बीच में आ गया। इस तरह से आपको 8 सिलाई बार बार रिपीट करनी है और ये हमारा बहुत ही सुंदर डिजाइन बनकर आएगा 8 सिलाई रिपीट करने पर। और आप इस डिजाइन को बच्चों के स्वेटर में, बच्चों की कार्डिगन में, बाजू वाली कार्डिगन में, हर प्रोजेक्ट में बनाएं तो बहुत ही सुंदर लगेगा। अगर आपको मेरे डिजाइन पसंद आया हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर करें, इससे आपको मेरी हर वीडियो की अपडेट मिलती रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।